गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पूरब के अवसर पर दिनांक 9 नवंबर से शुक्रवार दिनांक 15 नवंबर तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रस्तुत है प्रेस वार्ता। बचपन से ही गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक के स्तर तक चले गए थे और सबसे पहला वर्ड उन्होंने जो बोला एक उनका, उन्होंने सभी को समझाने की कोशिश की कि जो मनुष्य है उनका परमात्मा एक है, हिंदू न मुसलमान, हम सब एक हैं। और साथ ही उन्होंने आगे चल के जब जनेऊ धारण करना उनको दिया गया तो उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जनेऊ करना जिसके जो आत्मा के काम आए, जो दया से भरपूर हो और सब्र संयम का हो और जो कि कभी टूट सके, न कभी जल सके और न कभी मैला हो सके, ऐसा अगर जनेऊ है तो मैं ऐसा जनेऊ पहनने को तैयार हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे केंद्र पर आए, आमंत्रित किए और हमारे देश का मैंने आपको अपने लिए आप आया, आप सबका धन्यवाद और साथ में आप सर स्वागत। मैं सचिव प्रहलाद सिंह, मैं सचिव प्रहलाद सिंह साहनी, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, बूटी प्लाट, अमरावती। आज का आयोजन प्रथम बादशाही धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूर्व निमित्त किया गया है। इस प्रकाश पूर्व के निमित्त 12 तारीख को, 12/11/2024 को नगर कीर्तन किया जाएगा, जिसमें अमृतसर की मशहूर गतका पार्टी भी शामिल होगी और नगर कीर्तन यह दोपहर 2 बजे से शुरू होकर गुरुद्वारा बूटी प्लाट से राजापेट चौक, राजकमल चौक, शाम चौक, सरोज चौक, जयस्तंभ चौक, शाम चौक, राजकमल चौक होकर वापस गुरुद्वारा आएगा रात 7 बजे तक। उस दिन का जो ड्रेस कोड है हमारा, वाइट ड्रेस और केसरी पगड़ी, वाइट सूट और केसरी चुन्नी। इसमें हमारे जत्थेदार कीर्तनकारी जो है वो भी, वीर मनी सिंह जी जो पोतरे शहीद संगत सिंह जी के हैं वो भी शामिल होंगे और इसमें पूरे नांदेड़ से इस यात्रा के लिए स्पेशल पालकी साथ आएंगी जिसमें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब विराजेंगे। और उसी तरह 15 तारीख को जो गुरु नानक जी का प्रकाश दिवस है उस दिन सुबह श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति होगी, तो उसके बाद 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कीर्तन का दीवान सजेगा जिसमें गुरुद्वारे के भाई भूकेश सिंह जी, भाई मनी सिंह जी के अमृतसर से आने वाले भाई भूपेंद्र सिंह फिरोजपुरी, इनका भी कीर्तन सजेगा। उसी दिन गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर भी होगा जो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा और दोपहर 12 बजे से ही गुरु का लंगर शुरू हो जाएगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा उसमें, और शाम को 7 बजे से फिर शुरू हो जाएगा जो रात को 1 बजे तक चलेगा, जिसमें दोनों ही टाइम मिला के 15,000 से 20,000 संगत लंगर छकेंगे। 12 तारीख को भी जो नगर कीर्तन है उसमें भी दोनों टाइम लंगर होगा, सुबह 12:30 बजे से और शाम को 7 बजे से। रात के भी दीवान में कीर्तन दीवान सजेंगे जो रात को करीब 12 बजे तक कीर्तन दीवान सजेगा, उसमें भाई मुकेश सिंह जी, भाई भूपेंद्र सिंह फिरोजपुरी और वीर मनी सिंह जी, इनके द्वारा कीर्तन किया जाएगा और सभी अमरावती की सभी संगत से, सभी धर्म के लोगों से विशेष आग्रह है कि उस दिन गुरुद्वारे में ज़रूर आए, गुरु महाराज के दर्शन करें और गुरु महाराज का जो लंगर प्रसाद चलेगा उसे लेने की कृपा करें। किसी भी बिना भेदभाव के आए और लंगर से हमारे गुरु का जो पहला उपदेश है संगत और पंगत, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसमें आपने सभी ने शामिल होना है, गुरु घर का प्रसाद लेके गुरु घर की खुशियाँ लेनी है। सब आमंत्रित,
आप सभी संगत आमंत्रित है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत।